वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मनु। और आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर नूडल्स के स्टाइल में चावल। ये रात के बचे हुए चावल लिए हैं मैंने। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना नहीं भूलना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कि एक कटोरी चावल, जो कि रात का बचा हुआ चावल लिया है मैंने। मैंने यहाँ पे एक प्याज को लंबा कट करके ले लिया है, एक शिमला मिर्च लिया है जिसे भी मैंने लंबा कट कर लिया है, टमाटर और गाजर लिए हैं यहाँ पे मैंने, और एक हरी मिर्च को भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है नमक और एक पिंच के लगभग लिए काली मिर्च। इनका टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सॉस में मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, सोया सॉस, विनेगर और चिली। ये सॉस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे मैंने यहाँ पे बर्तन ले लिया है। मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैंने इस चम्मच के नाप से 2 चम्मच ऑयल डाला है। आप ऑयल कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म होगा वैसे ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को 1 मिनट तक मुझे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है। और 1 मिनट बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी ये गाजर और हरी मिर्चें। इसके साथ ही आप इसमें पत्ता गोभी, बीन्स और फूल गोभी जैसे अलग अलग सब्जियां भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे हम। और 3 मिनट बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसमें ये कट किए हुए टमाटर, और उसके साथ ही मैंने यहाँ डाल दिया शिमला मिर्च। इन्हें भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम अब हम थोड़ा हाई कर लेंगे और कंटिन्यू इन्हें चला लेंगे, जिससे कि इसमें आएगा थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल में वो हमेशा हाई फ्लेम पे बनाते हैं, इसीलिए उनका टेस्ट होता है थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम हाई कर लिया है और इन्हें अब मैंने अच्छी तरीके से चलाना स्टार्ट किया है, जिससे कि ये जलेंगे भी नहीं और इनमें आएगा एक नया टेस्ट। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे इस तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया नमक और काली मिर्च। नमक मैंने कम लिया है क्योंकि नमक चावल में ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए उन्हें भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टोमेटो सॉस। ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच। आधी चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पे सोया सॉस। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 1 छोटे चम्मच जितना मैंने लिया है विनेगर, इसे भी ऐड कर देंगे। और 1/2 चम्मच मैंने लिया है चिली सॉस। अब हम इन्हें 1 मिनट तक मिला लेंगे और फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर हमें इन्हें कुक नहीं करना है। 1 मिनट बाद मैं इसमें डाल दूंगी चावल। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। ये एकदम नूडल्स वाला टेस्ट देते हैं, क्योंकि हमने इसमें वो वाला फ्लेवर डाला है। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और अगर आपके बच्चों को नूडल्स पसंद है तो वो ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद करेंगे। आप भी उन्हें इस तरीके से राइस और वेजिटेबल खिला सकते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। 1 से 2 मिनट मैंने इन्हें कुक कर लिया। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। तो तैयार है हमारी ये सिंपल सी रेसिपी। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दिख रहे हैं ना, एकदम टेस्टी। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुक विद मनु पर। थैंक यू।